नौशीन, आपकी फैमिली जो है वो केपी के से ताल्लुक रखती है, मगर आपका सारा ब्रॉटअप जो है वो कराची का है, तो यानी कि स्कूलिंग भी सारी कराची की है? मिक्स एंड मैच, मिक्स एंड मैच क्या कहा है मैंने? कुछ कपड़े हैं क्या मिक्स एंड मैच? हाँ, तो इस शोबे की तरफ कैसे आ गई, एक्टिंग की तरफ? बस कोई प्लान नहीं, अचानक किसी ने आना हुआ। हाँ, 11वीं कर रही थी मैं, पढ़ रही थी, अपना सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स थे। सो हमारे कैंपस में लोग जो नहीं होते, नए एक्टर्स ढूंढ रहे होते हैं, बच्चे तो दे केम, दे सॉ मी, दे सेड कि दिस गर्ल इज रियली रियली प्रिटी, तो इनको हमारे पास बुलाइए। तो मैं बाहर थी अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉलेज के, सो हमारी जो प्रिंसिपल, शी कॉल्ड, शी वाज लाइक कॉल नौशीन, उसको बुलाए अंदर। मैं गई एंड आई वाज लाइक यस मैम, तो उन्होंने कहा दीज पीपल दे वांट टू टॉक टू यू। आई वाज लाइक यस, कुछ पता वता तो था नहीं, तो दे सेड कि आपने एक्टिंग करनी है, कार्ड दिया कि आप एक्टिंग करना चाहेंगी। मैं भी बहुत खुश हो गई कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हम तो टीवी पे ही लोगों को देखते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। आई सेड यस व्हाई नॉट। सो दे सेड, उनको पता था छोटी बच्ची है, तो दे सेड कि जस्ट गो आस्क योर पेरेंट्स। आई सेड ओके, आई वेंट होम, आई स्टेड क्वाइट, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला और ढीठ बन के बैठी रही। और दोस्त से उसे कपड़े शपड़े मांगे, छोटा सा एक साइड कैरेक्टर था, 3,000 रुपये मिले थे, वो किया और करके कुछ किसी को कुछ बताया ही नहीं ना, मतलब हम तो really? से ब्रेव नंबर वन चल रहे थे, लेकिन वो भूल गए कि अम्मी के चमचे, डंडे और छुरियाँ भी होती हैं, कांटे भी होते हैं और जूता भी उतार लेती हैं, वो तो दिमाग में ही नहीं था। वो जब ड्रामा चला तो आप यकीन करें, मुझे ऐसे लग रहा था कि अम्मी का जो है ना, अम्मी हिटलर का फीमेल वर्जन बन गई है, जो मेरी उन्होंने फिर जबरदस्त तबियत साफ करके बेइज्जती और मार और कुटाई और उनका कह रहे यही डोई थी, यही वाली डोई थी तकरीबन, यही समझे, बल्कि इससे भी बड़ी। बट माय डैड वाज, ही वाज द कामस्ट ऑफ ऑल, वो कूल, काम, कंपोज्ड। उन्होंने बोला कि इसको मेरे कमरे में भेज दिया वालिद ने आपके। सो माय डैड, आई सैट विद हिम, उन्होंने कहा कि पूछा कि बेटा मुझे तो कुछ और नहीं, आपने एक्टिंग करनी है, करें, व्हाई नॉट। आपके वालिद किस प्रोफेशन से? मेरे वालिद ट्रांसपोर्टर हैं। सो बाबा सेड कि आपको एक्टिंग करनी है, आप करो, हमारे जो भी बच्चे हैं, हमने तो अपने बच्चों को एज पेरेंट्स हम बता सकते हैं अच्छा बुरा, किस्म की अप्रोच है। हाँ, वो कह रहे थे हमारा काम है आपको बताना, गाइड करना, द रेस्ट इज टोटली अप टू यू। अभी भी तो जाके करके आ गई हो ना, अभी तो आपने माशाल्लाह झूठ ही बोल दिया है। That's what he, and he was, उनको ये नहीं था कि एक्टिंग की है या कुछ बता दे, उनको ये चीज मेरे वालिद साहब को कि ये झूठ क्यों बोल दिया। तो तकरीबन आपका करियर ऑलमोस्ट 20 साल तो हो गए ना आपको इसमें, 18-20। इस सारे सफर में आपके दिल के नजदीक जो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट रहा वो कौन सा? ये अभी वाला पोलियो वाला। तो मेरे वाला जी? अच्छा, ये जो अभी आना है, ग्रेट। और एक पानी मुझे उसमें आपका काम, बाकी ये नहीं कि चूंकि हम सामने बैठे, मैंने भी जितना काम आपका देखा और काफ़ी सारा देखा है, लाजवाब हमारा यही शोभा है, मेरा भी ये ख्याल है कि वो आपका सारा ही काम अच्छा है, मगर ये भी तो होता है ना कि मार्जिन कितना मिला है आर्टिस्ट को। एग्जैक्टली, ठीक है ना, वो उस कैरेक्टर के अंदर भी तो बहुत कुछ होता है ना। तो मेरे ख्याल में आपने बहुत ही शानदार काम किया, बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि उसकी जितनी भी तहें थी, जो मैं नाज़रीन को हम बता भी देते हैं कि एक सीरीज़ है पोलियो के ऊपर, जिसका मेन कैरेक्टर जो अभी नौशीन ने किया, मेरा लिखा भी, निनी ने डायरेक्ट किया, बहुत ही शानदार उसे। तो वो जितनी स्ट्रॉन्ग औरत है और जो जितने चैलेंजेस को वो फेस करती है, तो जितने भी उसके शेड्स हैं ना, उन सारे शेड्स को जिस तरह से आपने कैरी किया, हस्बैंड की डेथ हो गई है, बच्चा जो है पोलियो का शिकार हो गया है, हॉस्पिटल जो है एक गांव वाले जो है, तो गांव की भी जंग लड़ रही है, अपनी भी जंग लड़ रही है, बच्चे की भी जंग लड़ रही है, और उसके बावजूद वो डट के खड़ी हुई है, बहुत ही शानदार। आपने मुझे एक ये मेरा काम, इट्स वन ऑफ माय, मेरे अपने क्राफ्ट की बात की जाए तो एक दिस इज समथिंग जो मैंने बहुत एंजॉय किया। देन मेरी एक फिल्म अभी आने वाली है चिकर। हाँ, मतलब मुझे वो ना एक बिल्कुल शेरनी की तरह का एक कैरेक्टर जो है ना, उस तरह से कंसीव हुआ है। तो चिकर इज आल्सो समथिंग। अच्छा, गुड। चिकर मेरा, हाँ, पंजाबी वाला जिसे बोलते हैं, जो वो नहीं होता जो उसमें वो कीचड़ जिसको हम, लॉन्ग शूज पहन के की थी आपने? कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ मौजूद हैं नौशीन शाह, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद, हमारे साथ मौजूद हैं नौशीन शाह। नौशीन, किस किस्म के कैरेक्टर्स करना आपको अच्छा लगता है?
सोशल इश्यूज के ऊपर, पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर तो हमारे पास हम बनते ही नहीं है प्लेज, मगर सोशल रोमांटिक या रोमांटिक किस तरह मीनिंगफुल। तो ये जो सास बहू वाला मामला है इसमें आप भी समझती हैं? इट्स ओनली फॉर ब्रेड एंड बटर, ये सिर्फ किचन चलाने के लिए तो ठीक है, वरना ज्यादा ही किचन नहीं चल रहा आई थिंक जरूरत से ज्यादा किताबें पढ़ती हैं, फिल्में देखती हैं, म्यूजिक सुनती हैं, पार्टी करती हैं, क्या करती हैं? नहीं मैं पार्टी से मिलता हूं दोस्त अहबाब में गपशप करना। कैन आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट टू यू, आई ट्राई टू लर्न इस्लाम से रिलेटेड चीज़। वेरी गुड। ये शुरू से आपकी टेंडेंसी थी अब या पिछले कुछ अरसे में ये डेवलपमेंट हुई? नहीं शुरू, जाहिर है मुसलमान है तो मुसलमान तो बगैर ईमान के गाय का मसला नहीं होता है, कुछ वक्त में आप बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, प्रैक्टिसिंग बहुत ज्यादा जानना चाह रहे होते हैं। नो प्रैक्टिसिंग अगर आप मुझे कहोगे तो इट्स बीन फ्यू इयर्स। अच्छा हाँ, कुछ साल। कोई खास वजह थी इसकी? अगर पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, खास वजह यही थी कि जब आप क्रिएशन के पीछे होते हैं और क्रिएटर को भूल जाते हैं तो फिर क्रिएटर जो है वो आपको क्रिएशन के पीछे भी ठीक से नहीं होने देता। सो इट्स बेटर टू बी यू नो टू बी जस्ट फॉलो द क्रिएटर, आप जिस रब ने आपको बनाया है क्रिएशन से क्या पीछे क्रिएटर अल्लाह नहीं नहीं क्रिएशन से क्या मुराद? हम सारे दुनियादारी। इस मोमेंट पे नौशीन शाह को ये एहसास हुआ कि अच्छा दुनियादारी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गई है, जरा थोड़ा सा रूहानियत की तरफ। 4-5 साल पहले कोई खास इंसिडेंट, कोई खास इशू, कोई खास कोई मेरा एक तो सर आई वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन भाई। एंग्जाइटी और डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी कभी कभी आपको साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट खुद भी नहीं बता पाते। हाँ दुरुस्त है मुर्शिद, डिप्रेशन जो है ना ये होंगे ही अमीरों नूं है और इन्हें ठीक भी हो जाता है, चार बारी अज करके डॉक्टर को जाते हैं, वड्डी फीस देते हैं डिप्रेशन दूर। मैं भी एक बार डिप्रेशन च आ गई। अच्छा ओए होए होए होए, मैं अपने अब्बाई ने कहा, मैं कहा बाल सब गल सुनो, मैं अजकल बड़ा डिप्रेशन चा। तो आपको डॉक्टर के पास ले गए? ना जी ना, उन्हें पानी वाला पैप फड़िया दोनों पासों, उन्हें फिर मेरा डिप्रेशन दूर किया। मार मार तीन पैप मेरे डिप्रेशन से बजे, मैं हसन लगा। क्या खाने का शौक? I love Chinese. कराची में क्या-क्या पसंद है आपको? कराची में क्या? Overall ही I like Chinese. अच्छा? हाँ, Thai Chinese. और जो typical Chinese होता है या जो हमने जो उसकी जो एक नहीं मुझे typical वाला मसालों के साथ उसका? नहीं 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 typical. हालांकि बाहर की countries में जाके जब भी मैंने Chinese खाना खाया मुझे बड़ा गंदा लगा है। हाँ नहीं खाया जाता। It tasted really really bad, especially in Singapore. I was like पता नहीं क्या खिला रहे हैं, कुछ हराम तो नहीं खा के बैठ गए। नौशीन साहबा मुझे भी एक दफा ना हॉट डॉग ना पड़ गया था मैं कहने वाली थी और फिर मैंने साथ रख लिया और मैंने फिर उसको हांडी पकानी सिखाई। क्यों हुई बेटा ये तो गुस्सा करने वाली बात है। ये क्या बात हुई? आपने कहा तो ठीक है, वो कहें तो गुस्सा।